नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हरा सोना की खेती। बिल्कुल आप इसको हरे सोने की खेती कह सकते हो और ऐसी जमीन पे कर रहा हूँ जो बिल्कुल पथरीली जमीन है जिसपे कुछ भी पैदा नहीं होता है और बिना पानी के, यहाँ पानी की भी बहुत ही कम पानी दिया जाता है केवल इनको जीवित रहने के लिए। इस और मैं इनको किस प्रकार से जीवित कर रहा हूँ और मैंने कितने प्लांट लगा रखे है और किस प्रकार से इनको मैं सर्वाइवल करवा रहा हूँ हमारे यहाँ पे इससे ऐसे क्लाइमेट में। तो दोस्तों जो आज हम जिस खेती की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, आज चंदन की खेती की बात कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, चंदन की खेती, इसको आप ग्रीन गोल्ड भी बोल सकते हो क्योंकि ये सोने की तरह जितना महंगा होता है इसका प्लांट, लेकिन प्लांट कब होगा 15 साल बाद में, लेकिन हम इसके प्लांट लगा रखे है दोस्तों, चंदन की खेती कर रहे हैं। जो ये प्लांट दिखाई दे रहा है ये सफेद चंदन का प्लांट है, देखिए सफेद चंदन का प्लांट है और इसकी काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट। आपको पता है चंदन के प्लांट के साथ में दूसरे प्लांट को भी आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरे प्लांटों की आवश्यकता पड़ती है तो उनसे ये पोषण लेता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चंदन की खेती कैसे कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पानी भी नहीं है और जमीन भी बहुत ही, देखिए इस प्रकार की जमीन है, ये बहुत ही पथरीली जमीन है, बहुत पथरीली जमीन है, वैसे ही पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, लेकिन मैंने इसमें चंदन के प्लांट लगाया और इसकी चंदन की खेती कर रहा हूँ। और पानी की भी आपको पता है राजस्थान जैसे क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ तो पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसके चंदन की खेती कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मकसद है कि कैसे भी किसान भाइयों की आय भी डबल हो और कई गुना हो जाएंगी यदि आप चंदन की खेती में सफल करोगे और लग के मेहनत करोगे, तो ये बहुत ही अच्छा किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, किसानों के लिए, आय के लिए, और इससे कई गुना आयु हो जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं इसकी कैसे किस प्रकार से इस खेती कर रहा हूँ क्योंकि चंदन का प्लांट होता है दोस्तों, तो इस प्लांट के लिए दूसरे प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे दिमाग में भी आया कि दूसरे प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो इससे इस दूसरे प्लांट से इसको पोषण मिलेगा, तो हम ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पानी की व्यवस्था से आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मैंने इसके 800 प्लांट लगा रखे हैं, चंदन के 800 प्लांट लगा रखे हैं। और देखिए मैं हमारे और भी प्लांट दिखाता हूँ और सारे प्लांट जीवित है, अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, देखिए सारे प्लांट। अब देखिए ये प्लांट देखिए सभी में, इसमें अनार होस्ट लगा रखा है और धीरे धीरे हम इसके होस्ट भी चेंज कर रहे हैं, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है तो अनार को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो अनार इसकी वजह से धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है, तो हम इसके साथ में ऐसे होस्ट लगा रहे हैं ताकि उनमें पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़े। देखिए देखिए जैसे ये प्लांट है, देखिए ये प्लांट है, अब ये प्लांट है, ये एक साल का ही प्लांट है ओनली, बाद में लगाया गया, ये एक साल का ही प्लांट है और इसकी ग्रोथ देखिए, इसके पत्ते देखिए बहुत शानदार है। इस किसके साथ लगा रखा है हमने, पानी की समस्या की वजह से हमने किक्कर के पेड़ के साथ इसका होस्ट का काम कर रहा है, किक्कर इसकी कटिंग करते रहते हैं, इसको बढ़ने नहीं देते हैं और इससे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो हम ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं जो कम समय में जल्दी ग्रोथ कराए चंदन को और पानी की भी जिसको आवश्यकता नहीं हो, ऐसे प्लांट लगा रहे हैं। देखिए ये प्लांट भी देखिए, इसकी भी क्या शानदार ग्रोथ हो रही है, बहुत ही शानदार ग्रोथ हो रही है, तो और ये प्लांट देखिए, इसकी भी बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों चंदन के मैंने इस प्रकार से 800 प्लांट लगा रखे हैं और चंदन को आपको पता है चंदन काफी महंगा बिकेगा आने वाले 15 साल बाद में, और इसकी डिमांड दोस्तों कम नहीं हो रही है, हर साल इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि चंदन है ही नहीं गोर में, पहले इसके ऊपर बैन था, अब कोई बैन नहीं है, इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके वीडियो देखिए, बाकी आज इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों चंदन का जो लकड़ी होती है इसकी जो इसमें तेल बनता है इसकी वैल्यू होती है, जो ये तेल है इसकी वैल्यू होती है और तेल की वैल्यू ही चंदन की कितना परसेंट तेल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इसके अंदर हार्डवुड बनता है यानी कठोर लकड़ी जो ब्लैक होती है उसका उसकी रेट पे निर्भर करता है, ये कितनी होती है, 15 से 20 केजी इसमें एक पेड़ के अंदर आराम से आसानी से निकलेंगी। तो यदि हम इसकी रेट की बात करें आज के समय में तो इसकी रेट 10,000 से 15,000 है इसकी एक हार्डवुड, 1 किलो हार्डवुड की, और इसकी रेट कम नहीं हो रही दोस्तों, हर साल इसकी रेट बढ़ती है। तो इस हिसाब से एवरेज से बात करते हैं हम, तो इसकी काफ़ी, यदि हम इसके अंदर 10-15 केजी भी लगा के चलते हैं तो आप इसकी काफ़ी अच्छा इनकम होगी इस प्लांट से, और हम इस प्लांट की ज़्यादा कीमत नहीं मान के चल रहे, हमें इस प्रकार से यदि हम इसके अंदर 1.5 लाख का भी प्लांट मान के चलते हैं इसको, तो मैंने 800 प्लांट लगा रखे हैं, तो 800 प्लांटों की कम से कम 12 करोड़ रुपये हो गई। और मैं किसी भी खेती से, जो मेरी ज़मीन है मैं इसमें से कुछ ले नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं इस खेती में लगा रखे है और 15 साल बाद में आराम से मेरे को 12 करोड़ रुपए
आराम से मिल जाएंगी, 12 नहीं तो 10 करोड़ रुपए भी आराम से मिल जाएंगी। और दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अंदर पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसको में पानी देते हैं ना, पानी मैनेजमेंट, हम इनको जो बाल्टी के सहारे से इनमें पानी डालते रहते हैं। जो ड्रिप लग रही है दोस्तों, अब हमारे यहाँ पानी और भी कम हो गया इस साल, तो हम इनको क्या करते हैं, शाम के टाइम एक दो बाल्टी, तो हर 7 दिन में इनमें बाल्टियों से पानी डाल के इनको जीवित रखते हैं इस प्रकार से। और बारिश के मौसम में पानी की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, कभी बारिश हो गई तो ठीक ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम चंदन की खेती कर रहे हैं, और इसके साथ भी कई सारे फल वाले प्लांट भी लगा रखे हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चंदन की खेती करते हो, तो इस चैनल के माध्यम से मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ चंदन से, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं खुद के खेत में जो किस प्रकार से इन पेड़ों को जीवित रखता हूँ, किस प्रकार से इनकी ग्रोथ करवाता हूँ, और इनमें क्या खाद दिया जाता है, कौन सी दवा दी जाती है, इन सब पे मैंने वीडियो डाल रखा है। आप वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।